जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया को T20 सीरीज में हराने के बाद श्रीलंका की टीम जहां एक और जश्न मना रही होगी, तो वहीं तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जो दोस्तों अपने किए पर काफ़ी पछता भी रहे होंगे। आप सभी को बता दें वो क्रिकेटर के नाम है दोस्तों कुशल मेंडिस और धनुषा गुडतिलके। ये तो दोस्तों मुख्य नाम है क्योंकि इंग्लैंड दौरे पर जाने के बाद इन लोगों ने बाय बबल का उल्लंघन किया था, उसको तोड़ते हुए दोस्तों ये लोग बाहर सड़कों पर निकल के एंजॉय करने निकल गए थे। इनकी वो वीडियो वायरल हुई थी काफ़ी तेज़ी से, लेकिन अब इन्हीं के इस एक्शन के खिलाफ दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा एक्शन लिया जाना है। जो ये खबर सामने आ रही है कि सभी प्रकार के क्रिकेट से ये 2 साल के लिए प्रतिबंधित करने और $25,000 का जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई है इनके खिलाफ कंप्लेंटरी एक्शन में। तो यानी कि इनको 2 साल तक के लिए सभी क्रिकेट फॉर्मेट में बैन और उसी के साथ साथ $25,000 का जुर्माना भी। निरोशन डिकवेला जिसे भी इसी अपराध का दोष पाया गया था, उन पर भी $25,000 के जुर्माने के अलावा खेल के सभी प्रारूपों में 18 महीने का प्रतिबंध लगाया कहने की बात सामने आई है। आप सभी को बता दें newswire.ik की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये सिफारिशें 5 सदस्यीय समिति द्वारा की गई थी। इसे 3 श्रीलंकाई क्रिकेटरों के इंग्लैंड दौरे के दौरान हुई घटना थी अनुशासनात्मक जांच के लिए नियुक्त किया गया था। अब दोषी क्रिकेटरों के लिए समिति द्वारा अनुशासित सजा को भी श्रीलंका क्रिकेट की कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता है। आप सभी को बता दें दोस्तों, जून में सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल होने के बाद मेंडिस, धनुषा और डिकवेला ने खुद को विवाद के केंद्र में पाया, जिसमें उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे से पहले डरहम की सड़कों पर घूमते देखा गया था। वीडियो में साफ पता चला है कि श्रीलंकाई तिकड़ी ने इंग्लैंड में बैबल तोड़ा था। श्रीलंका क्रिकेटर कार्यकारी समिति ने कुशल मेंडिस, धनुषा गुणतिलके और निरोशन डिकवेला को बैबल को तोड़ने के लिए निलंबित कर दिया है और उन्हें तुरंत श्रीलंका वापस बुला लिया गया था। अब इस मामले में SLC द्वारा एक जांच शुरू की गई, जिससे 3 श्रीलंकाई क्रिकेटरों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है। जहां एक तरफ दोस्तों 2-1 से सीरीज जीत ली है टीम इंडिया के खिलाफ श्रीलंका ने, तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ श्रीलंका को इंग्लैंड का दौरा भूलना योग्य था क्योंकि उन्हें T20I में 3-0 से हार का भी सामना करना पड़ा था। तो एक तरफ दोस्तों इन तीनों खिलाड़ियों पर बहुत बड़ी मुसीबत सामने आई, अपने किए पर पछतावा हो रहा होगा, भले ही ये थोड़ा एंजॉय करने के लिए लिख लें, लेकिन यही इनका मजाक सजा में तब्दील हो रहा है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट। नमस्कार।